नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की जो खबर है, यह खबर एक अजीब घटना जो आज सामने आई उसको लेकर है। दरअसल घटना है एक युवक की, 32 साल के युवक के गुमशुदगी की। आपको बता दूं, नाला सुपारा संतोष भवन रहने वाले एक 32 साल के विजय कुमार विश्वकर्मा, जो आज जिनकी रेलवे पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की, इनके साथ न जाने क्या हुआ। ऐसा जो कहानी है वो कहानी ही बड़ी अजीब कहानी है। दरअसल सुबह 8:25 की अंधेरी को जाने वाली लोकल में ये नाला सुपारा से चढ़े और नाला सुपारा से वसई भी नहीं पहुंचे कि बीच में ही गायब हो गए। अब कहां गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, इस पे काफी सवाल है। इनके भाई, उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है बड़े भाई ने, और ऐसी जानकारी सामने आई है सूत्रों से कि ये सुबह 8:25 की लोकल में चढ़े थे, उसके बाद में वहां नहीं पहुंचे अपने काम पर जहां इनको जाना था। लेकिन इनके जिस कोच में ये थे, उसी कोच में इनका कोई परिचित और भी था, जिसने ये कंफर्म किया कि मैंने इनको चढ़ते हुए देखा। लेकिन सुबह के समय रश काफी होता है, भीड़ काफी होती है, तो उस भीड़ भाड़ में बाद में ये उन दोनों का संपर्क नहीं हो पाया। जब ये अपने काम पर नहीं पहुंचे, इनकी तलाश शुरू की गई, तब पुलिस को काफी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस ने रेलवे ट्रैक का मुआयना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हुई हो। सुबह के समय अक्सर मुंबई लोकल में एक्सीडेंट रिपोर्ट किए जाते हैं, तो कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि गाड़ी से गिर गए हो। तो मुंबई पुलिस ने, रेलवे पुलिस ने ट्रैक पर इनकी खोजबीन शुरू की। तब खोजबीन करते करते पुलिस को नाला सुपारा और वसई रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैक पर इनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट मिले और एक अंगूठी भी मिली। बाकी कोई चीज वहां से बरामद नहीं हुई। अब सवाल यह है कि जब आधार कार्ड और अंगूठी वहां पड़े मिले और उसी जगह पे किसी तरह के निशान, खून या ऐसा कुछ नहीं मिला, तो यह तो नहीं उम्मीद लगती है कि कुछ हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, अगर दुर्घटना उनके साथ नहीं घटी है, तो इस तरह से अचानक से कहां गायब हो गए, यह भी एक बड़ी उलझन वाली बात सामने आई है। अभी इस मामले की शिकायत दर्ज की गई है रेलवे पुलिस में और रेलवे पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है। अब आने वाले समय में पुलिस की जांच के बाद ही यह कंफर्म हो पाएगा कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल तो ये मिसिंग है और अभी फिलहाल इनकी कोई खबर नहीं। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।